सुनने के लिए यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। खास तौर से हमारी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में हमें सुनने के लिए इधर पहुँची हैं, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि वोट वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेगा, उस दिन हमारी माताएं बहनें पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि पुरुषों को पीछे करके सबसे पहले आप लाइन में खड़ी होकर अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट डालेंगी। फिर आजादी के बाद केंद्र बिहार के बिहार प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के राज में यहाँ बिहार प्रदेश के भी सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, उपेक्षित व कमजोर वर्गों के लोगों का पूर्ण रूप से सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका, इतना ही नहीं बल्कि जब इन्हें यहाँ अपने खुद के राज्य में भी, अपने खुद के बिहार प्रदेश में भी रोटी रोजी के साधन व रोजगार आदि नहीं मिले, तो तब उस समय अन्य राज्यों की तरह यहाँ फिर बिहार प्रदेश से भी बड़ी संख्या में ये लोग अपनी रोटी रोजी के लिए देश के अन्य बड़े बड़े शहरों व महानगरों में जाकर बसते, जिनकी इस बार कोरोना महामारी के दौरान हमें वहाँ काफी ज्यादा दुर्दशा देखने के लिए मिली है। जहाँ जहाँ भी लोग गए थे रोटी रोजी के लिए, तो इस बार कोरोना महामारी के चलते हमें वहाँ उनकी काफी दुर्दशा देखने के लिए मिली है, जिनके बिहार में वापस आने पर, अपने बिहार से भी लोग बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के लिए देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए गए बिहार से भी। और बिहार से क्यों गए, क्योंकि यदि यहाँ पर बिहार में यहाँ की जो भी सरकारें रही उनको रोटी रोजी के साधन उपलब्ध करा देती, तो मेरे ख्याल उनको यहाँ पे रोटी रोजी के लिए दूसरे शहर महानगरों में जाकर नहीं बसना पड़ता। लेकिन एक बार कोरोना महामारी के दौरान हमें जो लोग भी, चाहे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, देश के अन्य और राज्यों से जो लोग भी रोटी रोजी के लिए जाकर वहाँ पर बस गए बड़े बड़े कस्बों में, महानगरों में, तो इस बार कोरोना महामारी के चलते हमें वहाँ उनकी काफी दुर्दशा देखने के लिए मिली। आपके बिहार प्रदेश के लोगों की भी काफी दुर्दशा हमें देखने के लिए मिली, जिनके बिहार में वापस आने पर फिर श्री नीतीश की सरकार ने भी कोई खास ध्यान नहीं रखा, ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी से रहे लंबे शासन काल में उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से जब ये पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो तब फिर यहाँ कुछ स्थानीय पार्टियाँ सत्ता में आई, सरकारें चल रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ बिहार प्रदेश में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो उनमें से किसी भी पार्टी व गठबंधन की सरकार में या सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, यहाँ पर दलित की कैटेगरी बना दी है, दलित है, महादलित है, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का तथा गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही आपके बिहार प्रदेश में भी अभी तक यहाँ दलितों, महादलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनका आरक्षण का कोटा अभी भी अधूरा पड़ा है।
और इतना ही नहीं, अब तो आपके आरक्षण को पर मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिला है, तो उसको भी अब धीरे धीरे एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, तो जो इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अब वो इनके आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास में लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को बहुत कम ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने कानूनों को भी अब इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिससे इनके ऊपर अन्याय व अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो अब इनका काफी ज्यादा शोषण कर रहे हैं। इसके इनके साथ साथ यहाँ बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत, खास तौर से आर्थिक हालत, हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसी प्रकार अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी खासकर रोटी रोजी के मामले में अभी तक काफी ज्यादा दयनीय हालत बनी हुई है, और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ आपके बिहार प्रदेश में भी अब तक जा रही सभी सरकारों, यह आप लोगों को मालूम है। बिहार प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है, आप लोग बसों से ये उम्मीद करके चल रहे थे कि जो जिस भी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी तो आप लोगों को रोटी रोजी के साधन मिलेंगे, और बिहार से जो लोग यहाँ से रोटी रोजी के लिए बाहर बड़े बड़े कस्बों महानगरों में जाकर बस गए वो वापस आ जाएंगे, उनका वापस आना तो बहुत दुख की बात। जो लोग यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते वापस भी आ गए थे, तो ये लोग सोच के चल रहे थे कि श्री नीतीश की सरकार उनका प्रबंध करेगी, उनको रोटी रोजी के साधन देगी, लेकिन उनको नहीं दिए, जिसकी वजह से जो लोग पलायन करके इधर आ गए थे फिर से वो रोटी रोजी के लिए वापस चले गए। ये कितने दुख की बात है। और सरकार अब कहती है, चाहे तो श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार हो चाहे श्री नीतीश की सरकार रही हो, इनको काफी लंबा समय सरकार चलाने का इनको मौका मिला है, लेकिन इन्होंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको रोटी रोटी के साधन नहीं दिए, उनको नौकरी नहीं दी, लेकिन जब अब चुनाव चल रहा है तो आप लोगों के वोट के खातिर कोई बोलता हम 10 लाख इनको नौकरी देंगे, कोई बोलता 19 लाख। इनको किसने मना किया था? आप लोगों लंबे ऐसे तक यहाँ सत्ता में रहे हैं तो इनको नौकरी क्यों नहीं दी? यदि इनको नौकरी दी होती तो इनको रोटी रोजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, और कोरोना महामारी के चलते हमें इनकी काफी दुर्दशा पूरे देश में देखने को नहीं मिलती। इसलिए इन सब खास बातों को ध्यान में रखकर ऐसी पार्टियों की सरकारों को अब आप लोगों को यहाँ और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। कितना आजमाओगे आप लोग? आप काफी आजमा चुके हैं, आप लोग काफी महागठबंधन को भी, और वो जो दूसरा गठबंधन है जिनकी सरकार है, कितना आजमाओगे आप लोग? आप लोग 15-15 साल तक इनको आजमा चुके हैं, और कितना आजमाओगे? तो मैं समझती हूँ कि अब आप लोगों को इनको और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है,
और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने बने नए गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। यदि जो अभी तक यहाँ पर महागठबंधन भी पावर में रहा, श्री नीतीश का भी गठबंधन पावर में रहा, यदि इन्होंने कुछ काम किया होता बिहार प्रदेश की जनता के लिए तो फिर हमें ये नया गठबंधन नहीं बनाना पड़ता। हमें ये नए गठबंधन को बनाना पड़ा है और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने नए बने गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। और यदि ऐसा हो जाता है, हमारे इस नए गठबंधन की सरकार बन जाती है, अर्थात यदि ऐसा हो जाता है तो फिर गठबंधन की ओर से यहाँ बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को ही बनाया जाएगा, जो ये अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा सरकार चलाने के लिए ये पूरे तौर से काबिल व सक्षम भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ये जब आपके बिहार प्रदेश में यहाँ हमारे नए गठबंधन की सरकार बन जाती है और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुझे फिर पूरी उम्मीद है कि फिर ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी कह रहे शासन काल की तरह ही यहाँ हर मामले में वह हर स्तर पर अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। और इस मामले में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, हमने दूसरे राज्यों की तरह तो उत्तर प्रदेश में हमने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, 1000 रुपए 1500 रुपए ये हमने नहीं दिए थे, बल्कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से जो गरीब और बेरोजगार लोग थे तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे तौर पर हमने उनको बड़ी तादाद में नौकरी हमें उपलब्ध कराई। हमें सुनने के लिए यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। खासतौर से हमारी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में हमें सुनने के लिए इधर पहुँची हैं, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि वोट वाले दिन जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन हमारी माताएं बहने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी बल्कि पुरुषों को पीछे करके सबसे पहले आप लाइन में खड़ी होकर अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट डालेंगी। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद केंद्र बिहार के बिहार प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के राज में यहाँ बिहार प्रदेश के भी सर्व समाज में से विशेषकर गरीब उपेक्षित व कमजोर वर्गों के लोगों का पूर्ण रूप से सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका, इतना ही नहीं बल्कि जब इन्हें यहाँ अपने खुद के राज्य में भी अपने खुद के बिहार प्रदेश में भी रोटी रोजी के साधन व रोजगार आदि नहीं मिले तो तब उस समय अन्य राज्यों की तरह यहाँ अपने बिहार प्रदेश से भी बड़ी संख्या में ये लोग अपनी रोटी रोजी के लिए देश के अन्य बड़े बड़े शहरों व महानगरों में जाकर बस कर, जिनकी इस बार कोरोना महामारी के दौरान हमें वहाँ काफी ज्यादा दुर्दशा देखने के लिए मिली है। जहाँ जहाँ भी लोग गए थे रोटी रोजी के लिए
तो इस बार कोरोना महामारी के चलते हमें वहाँ उनकी काफी दुख दशा देखने के लिए मिली, जिनके बिहार में वापस आने पर अपने बिहार से भी लोग बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के लिए देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए गए बिहार से भी। और बिहार से क्यों गए, क्योंकि यदि यहाँ पर बिहार में यहाँ की जो भी सरकारें रही उनको रोटी रोजी के साधन उपलब्ध करा देती तो मेरे ख्याल उनको यहाँ पे रोटी रोजी के लिए दूसरे शहरों महानगरों में जाकर नहीं बसना पड़ता। लेकिन एक बार कोरोना महामारी के दौरान हमें जो लोग भी चाहे बिहार से उत्तर प्रदेश से देश के अन्य और राज्यों से जो लोग भी रोटी रोजी के लिए जाकर वहाँ पर बस गए बड़े बड़े कस्बों में महानगरों में, तो इस बार कोरोना महामारी के चलते हमें वहाँ उनकी काफी दुर्दशा देखने के लिए मिली। आपके बिहार प्रदेश के लोगों की भी काफी दुर्दशा हमें देखने के लिए मिली, जिनके बिहार में वापस आने पर फिर श्री नीतीश की सरकार ने भी कोई खास ध्यान नहीं रखा। ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी के रहे लंबे शासन काल में उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से जब ये पार्टी सत्ता से बाहर हो गई तो तब फिर यहाँ कुछ स्थानीय पार्टियाँ सत्ता में आ गई। और पिछले कुछ वर्षों से तो यहाँ लगातार गठबंधन की ही सरकारें चल रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ बिहार प्रदेश में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं तो उनमें से किसी भी पार्टी व गठबंधन के सबसे विशेषकर दलितों यहाँ पर दलित की कैटेगरी बना दी है, दलित है, महादलित है, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम है, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का तथा गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही आपके बिहार प्रदेश में भी अभी तक यहाँ दलितों, महादलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनका आरक्षण का कोटा अभी भी अधूरा पड़ा है। और इतना ही नहीं, अब तो आपके आरक्षण को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको भी अब धीरे धीरे एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं तो जो इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते हैं अब वो इनके आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास में लग रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को बहुत कम ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने कानूनों को भी अब इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिससे इनके ऊपर अन्याय व अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो अब इनका काफी ज्यादा शोषण कर रहे हैं। इसके इनके साथ साथ यहाँ बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत, खास तौर से आर्थिक हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसी प्रकार अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी खासकर रोटी रोजी के मामले में अभी तक काफी
ज्यादा दयनीय हालत बनी हुई है और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के बिहार प्रदेश में भी अब तक जा रही सभी सरकारों के वो वापस आ जाएंगे। उनका वापस आना तो बहुत दुख की बात, जो लोग यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते वापस भी आ गए थे तो ये लोग सोच के चल रहे थे कि श्री नीतीश की सरकार उनका प्रबंध करेगी, उनको रोटी रोजी के साधन देगी, लेकिन उनको नहीं दिए, जिसकी वजह से जो लोग पलायन करके इधर आ गए थे फिर से वो रोटी रोजी के लिए वापस चले गए। ये कितने दुख की बात है। और सरकार अब कहती है, चाहे तो श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार हो चाहे श्री नीतीश की सरकार रही हो, इनको काफी लंबा समय सरकार चलाने का इनको मौका मिला है, लेकिन इन्होंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको रोटी रोटी के साधन नहीं दिए, उनको नौकरी नहीं दी, लेकिन जब अब चुनाव चल रहा है तो आप लोगों के वोट के खातिर कोई बोलता हम 10 लाख इनको नौकरी देंगे, कोई बोलता 19 लाख, इनको किसने मना किया था? आप लोगों लंबे ऐसे तक यहाँ सत्ता में रहे हैं तो इनको नौकरी क्यों नहीं दी? यदि इनको नौकरी दी होती तो इनको रोटी रोजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, और कोरोना महामारी के चलते हमें इनकी काफी दुर्दशा पूरे देश में देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए इन सब खास बातों को ध्यान में रखकर ऐसी पार्टियों की सरकारों को अब आप लोगों को यहाँ और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। कितना आजमाओगे आप लोग? आप काफी आजमा चुके हैं, आप लोग काफी महागठबंधन को भी और वो जो दूसरा गठबंधन है जिनकी सरकार है, कितना आजमाओगे आप लोग? आप लोग 15-15 साल तक हिंदू आजमा चुके हैं और कितना आजमाओगे? तो मैं समझती हूँ कि अब आप लोगों को इनको और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने बने नए गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। यदि जो अभी तक यहाँ पर महागठबंधन भी पावर में रहा, श्री नीतीश का भी गठबंधन पावर में रहा, यदि इन्होंने कुछ काम किया होता बिहार प्रदेश की जनता के लिए तो फिर हमें ये नया गठबंधन नहीं बनाना पड़ता। हमें ये नए गठबंधन को बनाना पड़ा है और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने नए बने गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। और यदि ऐसा हो जाता है, हमारे इस नए गठबंधन की सरकार बन जाती है, अर्थात यदि ऐसा हो जाता है तो फिर गठबंधन की ओर से यहाँ बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को ही बनाया जाएगा, जो ये अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा सरकार चलाने के लिए ये पूरे तौर से काबिल व सक्षम भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ये जब आपके बिहार प्रदेश में यहाँ हमारे नए गठबंधन की सरकार बन जाती है और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो मुझे फिर पूरी उम्मीद है कि फिर ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी के रहे शासन काल की तरह ही यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। और इस मामले में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, हमने दूसरे राज्यों की तरह तो उत्तर प्रदेश में हमने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, 1000 रुपए 1500 रुपए ये हमने नहीं दिए थे, बल्कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से जो गरीब और बेरोजगार लोग थे तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे तौर पर हमने उनको बड़ी तादाद में नौकरी हमने उपलब्ध कराई। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में दशरुद्रा की आर्थिक मदद करें।
आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है दशोत्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।